एक बार फिर से आपको बिपिन रावत का शौर्य भरा सफर दिखा देते हैं। 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में बिपिन रावत का जन्म हुआ। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा शिमला के सेंट एडवर्स स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की थी। और इसके साथ आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1978 को सेना में नियुक्त किया गया था। नेशनल डिफेंस अकेडमी से स्नातक उन्होंने किया था और ऐसे में पहले से ही वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे कहीं ना कहीं। उसके बाद 16 दिसंबर 1978 को सेना में नियुक्त उन्हें किया गया था। पहली नियुक्ति 11 गोरखा राइफल्स में उनकी हुई थी। इसके बाद आपको बता दें IMMA स्क्वाड ऑफ ऑनर से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो यानी कि कई बार उन्हें पहले भी से सम्मानित किया जा चुका था। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी भारत से लेकर कश्मीर तक उनकी तैनाती रही, सेवा उन्होंने जो है देश को बहुत ज़्यादा दी। पूर्वी भारत से लेकर कश्मीर तक उन्होंने लोगों को अपनी सेवा दी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1 सितंबर से साल 2016 को सेना के उप प्रमुख उन्हें बनाया गया था। तो वहीं से उनका सफ़र जो है 1978 से शुरू हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि 2016 को सेना के उप प्रमुख उन्हें बनाया गया था। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत बने थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 31 दिसंबर 2019 से CDS के पद पर वो कार्यरत थे और 3 साल का ये उनका पूरा कार्यकाल था जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। 2 साल ही उन्होंने अपने इस कार्यकाल के पूरे किए थे। साथ ही आपको बता दें पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के रणनीतिकार भी बिपिन रावत ही थे। यानी कि दुश्मन देश को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है उसमें कहीं ना कहीं बहुत माहिर बिपिन रावत थे। पाक के आतंकी शिविर ध्वस्त उन्होंने ही कराए थे। यानी कि एक रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे कि दुश्मन देश को किस तरह से जवाब देना है। ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकियों का सफाया भी बिपिन रावत ने ही किया था। तो ये शौर्य भरा सफर हम उनका आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ किया। कारगिल की लड़ाई में भी शामिल बिपिन रावत थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लंबे समय तक बॉर्डर पर बिपिन रावत तैनात रहे। यानी कि बहुत ज़्यादा सेवा उन्होंने देश को जो है वो अपनी दी और पहले CDS बिपिन रावत ही बने थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि CDS बिपिन रावत की मौत के बाद संसद में भी गुरुवार को हेलीकॉप्टर क्रैश पर देश के रक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया था। रक्षा मंत्री ने इस दौरान अपने बयान में क्या कुछ बोला वो आपको सुना देते हैं। पहले जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर, एयर फोर्स हेलीकॉप्टर फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लयंस नायक विवेक कुमार,
लांस नायक BSI तेजा सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तो ऐसे में आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। हालांकि कल से ही इस बात की चर्चा थी कि संसद में इस चीज को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर बयान दिया जाएगा। इसके बाद अब आपको बता दें कि कल जब ये तमिलनाडु के कुन्नूर में पूरा हादसा हुआ, आज जो है बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को, शव को आपको बता दें वेलिंगटन में लाया गया, जहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वेलिंगटन की, जहाँ पर वो कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पहुँच रहे थे अपनी धर्म पत्नी के साथ। अब वही वेलिंगटन में उसी जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि जो है पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ दी जा रही है और दी गई श्रद्धांजलि, उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज शाम तक बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी दोनों का पार्थिव शरीर जो है दिल्ली लाया जाएगा। और जानकारी ये मिल रही है कि कल दोनों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव उत्तराखंड ले जाया जाएगा पौड़ी गढ़वाल में, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धांजलि, हर किसी की आंखें नम हैं। पूरे देश को इस समय कहीं ना कहीं यकीन कर पाना मुश्किल हो पा रहा है कि किस तरह से अचानक से इस पूरे हादसे में CDS बिपिन रावत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ऐसे में आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, वो MI-17V5 हेलीकॉप्टर था, जिसे सैन्य इस्तेमाल के लिहाज से काफ़ी उन्नत भी माना जाता है, जिसका इस्तेमाल ट्रूप और आर्म्स ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, एक्सकॉट पेट्रोलिंग और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए भी किया जाता है। भारत में कई VVIPs इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि जिस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत सवार थे उसमें क्या खासियत थी। तो सफर के लिए MI-17V5 को ही क्यों चुना गया, ये आपको बताते हैं। MI-17V5 मीडियम लिफ्टर को MI-8 एयर फ्रेम के आधार पर डिजाइन किया गया था। हेलीकॉप्टर ने अपने पुराने मॉडल के उत्कृष्ट प्रदर्शन और विशेषताओं को बरकरार रखा था। तो इस हेलीकॉप्टर को ही क्यों चुना गया था, ये यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें ये हेलीकॉप्टर समुद्री जलवायु के साथ साथ रेगिस्तानी इलाकों में भी उड़ान भर सकता है, यानी कि ये खासियत है इस हेलीकॉप्टर की। और साथ ही आपको बता दें नेविगेशन सूचना डिस्प्ले और क्यूइंग सिस्टम भी इस हेलीकॉप्टर में है और कई तरह के हथियारों से भी ये हेलीकॉप्टर लेस है। इसीलिए देश के जो बड़े बड़े VVIPs होते हैं वो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान ये हेलीकॉप्टर भर सकता है और 26/11 हमले के दौरान भी कमांडो ऑपरेशन के रूप में भी इसी विमान का, इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था आतंकियों की तरफ से, उस दौरान भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी इसी हेलीकॉप्टर के जरिए अंजाम दिया गया था, यानी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी पाकिस्तान के खिलाफ उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी लॉन्च पैड तबाह इसी हेलीकॉप्टर ने किए थे। तो ऐसे में ये खासियत जो है वो हमने आपको इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताई कि क्या ये हेलीकॉप्टर की इसकी खासियत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर बिपिन रावत की बात कर ली जाए
तो बिपिन रावत जो है वो बहुत ही अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते थे। तो अब चलिए आपको तस्वीरें भी कुछ और दिखा देते हैं। शानदार सफ़र की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से बिपिन रावत जो हैं जब इधर उधर कहीं जाते थे अपने दौरे पे या फिर अपने किसी भी काम के लिए, तो वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका सफ़र रहा। साथ ही दूसरी तस्वीर देखेंगे आप हेलीकॉप्टर क्रैश में किस तरह से निधन हुआ है बिपिन रावत का। तस्वीरें देखकर ही समझ आता है कि कितना भयावह, कितना भयानक ये पूरा हादसा रहा। साथ ही तीसरी तस्वीर, शौर्य को श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है तमिलनाडु के, आपको बता दें वेलिंगटन में ये श्रद्धांजलि आज सुबह से कुछ ही देर पहले दी गई। वहीं आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, ब्लैक बॉक्स से होगी जाँच। जी हाँ, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसी हेलीकॉप्टर का ये ब्लैक बॉक्स है जो इस पूरे हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसका ब्लैक बॉक्स अब बरामद कर लिया गया है। अब इसी ब्लैक बॉक्स के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाएगी, जांच होगी कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था, किस तरह से पूरा हादसा हुआ था। हालांकि देखिए अभी जो शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी थी, कहीं कहीं से ये भी जानकारी मिल रही है कि मौसम खराब होने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। लेकिन अब जब इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो उसके बाद अब पूरी तस्वीर जो है कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी कि आखिर उस समय हुआ क्या था, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था। तो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शानदार सफ़र बिपिन रावत का जो रहा। 1958 में जन्मे थे पौड़ी गढ़वाल में बिपिन रावत, और उसके बाद से अब तक का ये जो शानदार सफ़र रहा ये वो तस्वीर है। साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश में किस तरह से बिपिन रावत का निधन हुआ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयावह ये पूरा हादसा था, उसके बाद किस तरह से आग की लपटें उठी। अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोग जो है वो जानकारी ये दे रहे थे कि आग बुझाने में भी कई घंटे लग गए थे, यानी बहुत ही भीषण ये पूरा हादसा था कि आग इतनी ज़्यादा भयानक लग गई थी क्योंकि जंगल का जो पूरा एरिया था वहाँ पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके बाद पूरे तरह से आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, इसलिए भी काफ़ी घंटे लग गए। साथ ही श्रद्धांजलि किस तरह से तमिलनाडु में ही दी जा रही बिपिन रावत को वो भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि आज बिपिन रावत को और उनके पत्नी के पार्थिव शरीर को आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा, उनके आवास पर, सरकारी आवास पर दोनों के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जिसके बाद कल उनके पैतृक गांव उत्तराखंड में दोनों के शवों को लेकर जाया जाएगा जहां पर अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी।